वेलकम वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो में अपन तो 12 से प्ले कर रहे हैं ओशिनीज होम 2। और आज की इस वाली वीडियो में काफ़ी सारा मजा आने वाला है। लेकिन आज की इस वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि तुम लोग अपने चैनल पर देख रहे हो भैया, अपन बहुत ज़्यादा करीब है यार 500 सब्सक्राइबर के। तो अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब मारो। मतलब जब भी यार कोई बंदा अपने चैनल को सब्सक्राइब करता है तो मेरे को काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो उन्होंने पता हो भाई, पिछले काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी है, बट कोई रिस्पॉन्स अपन को नहीं मिल रहा था। मतलब व्यू तो आ रहे थे बट वही सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। बट जैसे ही मैंने पिछली दो वीडियोज़ अपलोड करी उस पर तुम लोगों का रिस्पांस मेरे को देखने को मिला है। दो वीडियो से आई थिंक मेरे को 5 या 7 सब्सक्राइबर अपने बढ़े हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े बढ़े हैं बट भाई थोड़े बहुत बढ़ते तो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब मार दो और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। और फिलहाल भाई मैं यहाँ पे घूम रहा था ओशिनीज होम में, इस वाले जो सर्वाइवल आइसलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। और तभी घूमते घूमते भाई मेरे को सामने पता नहीं है कुछ तो चीज़ बनी हुई है, ये दिखती है। सबसे पहले इसके आसपास जो है काफ़ी सारे ज़ॉम्बी होते हैं तो मैं उन्हें मारता हूँ और फिर चलेंगे भाई इसके अंदर और देखेंगे भाई इसके अंदर कौन सा खजाना ऐसा दबा हुआ है जो कि जो है इसके बाहर। तुम लोग देखते हो भाई कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी की हुई है, मतलब तारे वारे पूरी लगाई हुई है चारों तरफ से। और आई थिंक इसका दरवाज़ा भी अपन को देखना पड़ेगा, सामने से एक दिख तो रहा है बट कोई दिक्कत वाला बात नहीं भाई, बिल्कुल अपन को जो है चतुराई से जाना पड़ेगा। मतलब कहीं पता चला भाई ज़ॉम्बी अपन को अंदर जाए मार दे तो एमओ अपन उठा रहे थे अपने स्नाइपर की, और एमओ भाई अपने बंदूक गल गोले बारूद अपन काफ़ी सारा भर भर के लाए हुए, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फिलहाल भाई धीरे धीरे मैं चलता हूँ इसके पास और देखते हैं भाई। ओके, तो फिलहाल अंदर इसके मुझे बाहर से दिखे भाई काफ़ी सारे ज़ॉम्बी हैं। फिलहाल मैं बाहर से ट्राई करता हूँ बट बाहर ये काफ़ी सारे तारे की दीवार यहाँ पे लगी हुई है तो इसलिए मैं अंदर नहीं मार पा रहा था। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ भाई, क्या पता दीवार के आर पार गोली लग जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख लिया बट नहीं लग रही है भाई। थोड़ा पास करके देखते हैं भाई क्या चीज़ है आखिरकार ये। बाकी भाई काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें इस वाले आइसलैंड के ऊपर बनी हुई है। मैप में तुम लोगों को पता है उनकी लोकेशन नहीं दिखती है अपन को, जो है चलते फिरते ऑटोमेटिक मिल जाती है, उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो वैसे ही मैं भाई कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा था और यहाँ पे मेरे को दिख गया भाई एक और ज़ॉम्बी सामने। ये देखो भाई ज़ॉम्बी, मतलब काफ़ी सारे ज़ॉम्बी है भाई इसके आसपास, तो कुछ तो खास चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। तो तुम लोग वीडियो देखते रहो यार, मैं तुम लोगों को अंदर जाए बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी कार जो इसके पास ले आए, ताकि भाई अगर आप अपने को जो है बीच में कहीं भागना पड़ जाए, काफ़ी सारे ज़ॉम्बी अपने ऊपर अटैक कर दे, एमओ ख़त्म हो जाए, तो अपन कार लेके जल्दी से भाग सके। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अपने कार को जो है इसके पास लाते हैं और फिर जो है इसके अंदर अपन जाते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें भाई। काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है भाई इसके साइड में, तारों की पूरी दीवार बना रखी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल तारों की दीवार के भी अंदर जाया जा सकता है, कहीं ना कहीं तो इसका दरवाज़ा ज़रूर मिलने वाला है। फिलहाल इस वाली साइड से स्नाइपर से जो है सारे ज़ॉम्बीज़ को अपन ने बचा दिया है, बट फिलहाल दूसरी साइड से अपन को अभी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिलहाल सामने कुछ ना कुछ तो चीज़ मेरे को दिखी थी बट फिलहाल आई थिंक वो ग्लिच हो गई है, फिलहाल नहीं दिख रही है। तो एक बार बैठते हैं और दूसरी वाली साइड पर भी देखते हैं कहीं भाई ज़ॉम्बी वोम्बी ना हो। ओके, तो सामने भाई मुझे नहीं पता, एक सुअर जैसा भाई चीज़ तुम लोग देखते हो सामने दौड़ रहा है, और भाई ये वाले भाई पास आने पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काट लेते हैं और अपन की जो डेथ भी हो जाती है गेम में। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ भाई क्या पता चला अपन अंदर गए और बाहर से इन्होंने जो है अटैक कर दे, तो वो भी देखना पड़ता है भाई, काफ़ी डेंजरस है ये वाला आइलैंड। फिलहाल सामने भी कुछ तो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल अपना आराम आराम से चलेंगे। और इस वाली साइड भी मेरे को ज़ॉम्बी तो देखने को फिलहाल नहीं मिल रहे हैं और अंदर भी इसके जाने वाले हैं, बट भाई एक बार चारों तरफ स्काउट अपन को करना पड़ेगा कि क्या पता भाई बाहर से बाद में जो है अटैक हो जाए। फिलहाल भाई मुझे पता चला है कि भाई इस वाले आइलैंड पे एक गैंग भी रहती है, तो उससे भी अपन फाइट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और फिलहाल मैं एक बार बाहर से इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो देखते हो कि अंदर ज़ॉम्बी तो है भाई। ओके, तार से पूरे कवर किया गया भाई इस वाली जगह को, तो फटाफट से अपन ढूंढ रहे हैं भाई फिलहाल इसकी एंट्रेंस कहाँ पे, तो एंट्रेंस से अपन एंटर मारने वाले हैं। और फिलहाल मुझे लग रहा है भाई सामने जो है इसकी एंट्रेंस है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ से जो है थोड़े से तार टूटे हुए हैं बट भाई यहाँ पर ज़ॉम्बी भी है काफ़ी सारे, तो कोई दिक्कत बात नहीं। कार को फिलहाल यहाँ पर खड़े करते हैं और अंदर अपने हाथ में ले लिए फिलहाल अपन ने AK-47, क्योंकि वह स्नाइपर दूर से ही चलाने में काम आती है, पास में नहीं आएगी। तो और ये वाला ज़ॉम्बी को अभी तक पता नहीं चला है कि अपन आ चुके हैं, तो इसे उड़ाएंगे भाई सबसे पहले इसी खोपड़ी उड़ा दें। ओके, बच गया भाई। ओके, तो एक की खोपड़ी तोड़ दी और फिलहाल उस साइड देखो भाई कितने सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे घूम रहे हैं। ओके, एक एक शॉट में भाई वन शॉट में सभी को डाउन कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिलहाल यहाँ पे बोर्ड लगाया गया भाई डू नॉट इंटर का, बट कोई दिक्कत हो रहा बने अपन तो इंटर करें। बाकी काफ़ी सारे छोटे छोटे जनरेटर जैसे कुछ तो हरे हरे भाई रखे हुए हैं, तो सबसे पहले अपन भाई ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं फिर देखते हैं भाई।
क्या कुछ सीन यहाँ पे होने वाला है। और फिलहाल यहाँ पे भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया डू नॉट इंटर यहाँ का बोर्ड तुम लोग देखते हो लगाए हुए, तो काफी हो सकता है भाई कुछ खतरनाक चीज इसके अंदर हो। ओके फिलहाल भाई मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे तारों में अटक जाता हूँ और ज़ॉम्बी अपन के ऊपर अटैक करते हैं। और यहाँ पे भाई पता नहीं कैसे जो मैं इस तार के अंदर अटक गया और फायर नहीं कर पाया, तो ज़ॉम्बी ने थोड़ा बहुत अटैक अपने ऊपर कर दिया था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास फिलहाल मेड किट होती है तो अपन लगा लेंगे। और भाई फिलहाल मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ और सबसे पहले भाई मेडिकिट लगाते हैं, मेडिकिट ज़रूरी है। ओके तो अब जो है अपनी हेल्थ बिल्कुल, अपन बीमार बीमार नहीं होंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है जोम्बी से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिलहाल अब जो है फटाफट से अपन अंदर चलेंगे और देखेंगे भाई आखिरकार क्या चीज़ें बाकी। भाई ये काफ़ी सारी बड़ी बड़ी लाइटें तो यहाँ पे लगाई हुई हैं और सामने मुझे दिख गए भाई दो और जोम्बी, एक घर के अंदर एक बाहर है। और भाई तो इन्हें भी फटाफट से डाउन करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं भाई इस वाले आइलैंड पे अपन को क्या क्या देखने को मिलने वाला है। बाकी यार अभी तक तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी तुम लोग पता होगा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिसमें जो अपन जो अपने सभी सब्सक्राइबर है जो भी कमेंट करते हैं अपने वीडियोज में सभी को एक स्पेशल वीडियो में शॉर्ट आउट देने वाला हूँ। तो तुम लोग अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से 500 सब्सक्राइबर्स जो है कम्प्लीट करवा दो। और फिलहाल भाई यहाँ पे मेरे को और तो ज़ॉम्बीज नहीं दिख रहे हैं, बट ये काफ़ी सारी भाई मशीन्स और क्रेट्स यहाँ पे रखी हुई है जिसके अंदर तुम लोग बैग तुम लोग देख सकते हो। फिलहाल अपने को बैग मिल चुका है भाई लेवल 3 का, ये बैग आई थिंक इसका। और फिलहाल अपने पास है 2 का, तो 2 वाले को गिराते हैं और 3 वाले को यहाँ से उठा लेते हैं। तो फिलहाल कोई ना कोई तो काम की चीज़ अपन को फिलहाल यहाँ पर मिली है। बाकी भाई यहाँ पर बो भी है मतलब तीर भी है, तो फिलहाल अपने पास अगन तो तीर की तो भाई कोई खास ज़्यादा ज़रूरत अपन को है नहीं। तो फटाफट से अपना सामान जो भी अपन ने यहाँ पे नीचे गिराया हुआ है ये भी उठा लेते हैं। बिल्कुल खाना वाना भाई मैं लेके घूमता हूँ साथ में, पता नहीं भाई कब यहाँ पे ज़ॉम्बीज वाले आइलैंड पे अटैक कर दे, कोई पता नहीं चलता। और फिलहाल पता नहीं भाई क्यों यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी यहाँ पे तो देख लाइट्स यहाँ पे रखी हुई है और ये सारे ज़ॉम्बीज अपन ने टपका दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला ज़ॉम्बी भाई पता नहीं भाई इस आइलैंड पे सारे ज़ॉम्बियों ने जो आर्मी के ड्रेसेस क्यों पहनी हुई है, ये वाला भाई राज शायद इन्हीं के साथ चला गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल भाई मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इनके तंबू टेंट को, देखते हैं इनके अंदर से अपन क्या देखने को मिलता है। ओके इसके अंदर क्या भाई, ओके यहाँ पे भी जो है एक संदूक के जैसा यहाँ पे कुछ ये रखा हुआ है और इसके अंदर भाई फिर से तीर है, तो अपने पास धनुष बाण तो भाई अपन चलाते नहीं है, अपने पास AK-47 है। और यहाँ पे भाई सामने मेरे को दिख गया है एक और ज़ॉम्बी, तो इसे भी फटाफट से उड़ाते हैं भाई। पता नहीं टेंट के अंदर घुस के बैठे हो, शायद ही कोई पता नहीं चलेगा भाई, एकदम से अटैक कर देंगे और अपना खेल जो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बड़ी ही चालाकी से अपन करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे भाई 2 बक्से रखे हुए जिसके अंदर एमओ है जो कि अपने बिल्कुल काम के नहीं है क्योंकि अपने वाली गन में ये वाली एमओ नहीं लगती है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इन टेंट सभी टेंट के अंदर भाई एक एक संदूक रखे हुए हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ है, बाकी ये पत्थर वत्थर तो भाई अपन को नहीं चाहिए। और बहुत सारे टेंट बनाए हुए भाई इस वाली जगह के अंदर, तो एक्सप्लोर करने में भी टाइम लगने वाला है। बाकी इन टेंट्स के अंदर भी जो भाई काफ़ी सारे ज़ॉम्बी हो सकते हैं, तो अपन को बड़े ही ध्यान से चलना पड़ेगा। ओके यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेड किट है, पीने के लिए पानी है, तो इस वाले भाई संदूक से अपन को काफ़ी सारी काम की चीज़ें मिली हैं। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इस हैमर को यही फेंक दूँ और ये बैकपैक ले लूँ भाई, क्योंकि बैकपैक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस वाले गेम के अंदर। और फिलहाल लगभग भाई एक साइड का एरिया अपन ने आई थिंक पूरा यहाँ पे एक्सप्लोर अपन कर चुके हैं और फिलहाल अपन बाकी टेंट्स भी एक बार देख लेते हैं। इस वाले टेंट के अंदर भाई कुछ अलग है, यहाँ पे मैप वैप बना हुआ है, आई थिंक इस आइलैंड का मैप है या पता नहीं। और यहाँ पे भाई एक अलमारी रखी हुई है भाई, देखते हैं इसके अंदर। ओके इसके अंदर भी कुछ नहीं है भाई, खाली पड़ी है बिल्कुल। ओके थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और देखें भाई बाकी और इसके अंदर क्या है, बाकी ये वाला टेंट के अंदर क्या है भाई। ओके यहाँ पे भाई कोई बक्सा नहीं दिख रहा मेरे को। ओके इस बार भाई बक्सा यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे भी भाई भाई वही वाली मोटे वाली एमओ है जो अपने गन के अंदर बिल्कुल नहीं लग रही है। आई थिंक अपन ने भाई सारे ज़ॉम्बीज को जो है यहाँ से उड़ा दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिलहाल थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, बाकी भाई आई थिंक यहाँ पे जो इतनी चीज़ें थी कोई खास चीज़ें थी नहीं। तो अगर तुम लोग यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक मारो और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को, बेल आइकन भी दबा लो। और मैं मिलता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही।